आप देखिए यह वीडियो माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है। अभी पंजीकरण करें, फ्री में ऑनलाइन क्लास लें। नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महज ₹250 प्रति माह में ऑनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार है। रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आय अर्जित करें। अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। बिना किसी की मदद के अभी डेमो आजमाएं mayatutor.com। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षण शिक्षक हैं। गृहिणियां और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कोविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके। इतने सारे महान शिक्षण ऐप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खो दिया है। वेबसाइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उपयोग शिक्षक mayatutors.com पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं। यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूचीबद्ध करते हैं तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूचीबद्ध होने के बाद में कक्षाएं लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही अब आप जूम ऐप और गूगल मीट के जरिए लाइव क्लासेज ले सकते हैं। यह सब माया वेब पोर्टल के जरिए बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आपके छात्रों के अलावा अन्य दूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको ढूंढ सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाएं लें। एक और विशेषता यह है कि आपको बहुत सारे ट्यूशन छात्र मिलते हैं। इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाय नहीं है, अपने कौशल को साबित करें, बेहतर आय प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए यह वीडियो देखें। नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महज ₹250 प्रति माह में ऑनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार है। रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आय अर्जित करें। अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। बिना किसी की मदद के अभी डेमो आजमाएं mayatutor.com। प्रश्न एक, कौन उपयोग कर सकता है mayatutor.com? दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। दुनिया एक ऑनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है, फिर आपके छात्र एक ऑनलाइन कक्षा में चले जाएंगे। ऑनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होगी। यह बहुत महंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेबसाइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं। रोबोटिक्स क्लास क्या है? रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उपयोग करती हैं। वेब पोर्टल पर दैनिक कक्षाओं के वीडियो और नोट्स की सूची बनाएं। इनका उपयोग बाद में बिना कक्षाएं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाएं देने के लिए किया जा सकता है। शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए यह कैसे काम करता है देखें। माया वेब पोर्टल पर मैं किन विषयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, कर्नाटक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, PSC, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाषा अध्ययन, आप लेखांकन, मनोविज्ञान, दर्शन। यह सब विषय जैसे सभी विषयों में कक्षाएं ले सकते हैं। शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं? फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पेमेंट वॉलेट QR कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं। क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उपयोग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है। शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है। माया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मासिक किराया लेती है। अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें। क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको 7 दिन का डेमो मिलेगा। शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्त करने के लिए क्या करें? यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजीकरण करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा। डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा?
यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजीकरण करते हैं तो आपको पहले 7 दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा। मत भूलो, यदि आप एक शिक्षक हैं तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजीकरण करें। यदि आप एक छात्र के रूप में पंजीकरण करते हैं तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। शिक्षक का पंजीकरण कैसे करें? डेमो कैसे प्राप्त करें? अगर आप शिक्षक हैं तो यहाँ शिक्षक के रूप में पंजीकरण करें। पहले इस फॉर्म को भरें। नियम और शर्तें स्वीकार करें। रजिस्टर पर क्लिक करें। अपने मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर सक्रियण मेल खोलें। सक्रिय लिंक पर क्लिक करें। मेंबर लॉगिन का चयन करने के बाद अपना मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और फिर लॉगिन करें। या गूगल के साथ लॉगिन चुनें। डेमो अब तैयार है। अपनी प्रोफाइल संपादित करें। यह वीडियो देखें। अपना पाठ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं। डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उपयोग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है? कृपया यह कीमत देखें। इस पोर्टल पर कितने पाठ्यक्रम सूचीबद्ध किए जा सकते हैं? पाठ्यक्रम असीमित के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। इस पोर्टल में कितने छात्रों को जोड़ा जा सकता है? आप असीमित छात्रों को जोड़ सकते हैं। क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है? आप YouTube लाइव वीडियो लिंक को सूचीबद्ध करके लाइव क्लास ले सकते हैं। अभी रजिस्टर करें और अधिक जानकारी के लिए डेमो आजमाएं। पाठ्यक्रमों को सूचीबद्ध करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है? एक बार शिक्षक पंजीकृत हो जाने के बाद पाठ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं? पीडीएफ कैसे सूचीबद्ध करें और लाइव क्लास कैसे लें? इस पर हर जगह वीडियो होंगे। आइए इन वीडियो को देखें और पाठ्यक्रम की सूची बनाएं। मैं एक छात्र हूँ। क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा? नहीं, यह छात्रों के लिए 100% मुफ्त है। छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फीस सीधे शिक्षकों को देनी होगी। मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंढ सकता हूँ? पाठ्यक्रम का नाम, शिक्षण विषय, संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहाँ खोजें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें। स्थान दर्ज करें और खोजें। अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं। यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें। वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें। अब आप इस शिक्षक का संपर्क पता, व्हाट्सएप नंबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ आप सीधे शिक्षकों के व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं या शिक्षक यहाँ मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रहे हैं तो आपको पंजीकरण या लॉगिन करने की आवश्यकता है। एक रजिस्टर क्या है, लॉगिन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं तो आपको पंजीकरण करना होगा। यदि आप एक छात्र हैं तो आपको यहाँ एक छात्र के रूप में पंजीकरण करना होगा। मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजीकरण करें। यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजीकरण करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले छात्रों को यहाँ पंजीकरण करना होगा। इन सभी फॉर्म को भरें। आपके मेल पर जाने के बाद
माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें। एक्टिवेट लिंक पर क्लिक करें। रजिस्टर अब पूरा हो गया है। अब आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर सकते हैं। चयन करें मेंबर पहुंच। अपनी मेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें या गूगल के साथ लॉग इन का चयन करें। उन विषयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यकता है। इसके लिए यहां खोजें।